हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं अपना पेपर थर्ड शुरू करने जा रहा हूँ। पेपर थर्ड में हम दो बुक्स पढ़ेंगे, एक तो स्थिति विज्ञान स्टैटिक और एक गति विज्ञान डायनेमिक। स्थिति विज्ञान के अपने तीन यूनिट हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट, और जो गति विज्ञान है डायनेमिक्स, उसके दो यूनिट हैं, फोर्थ और फिफ्थ। तो मैं फर्स्ट यूनिट शुरू करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट यूनिट शुरू करने से पहले जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनका यूज आता है इसमें। हम बल क्या होते हैं, बलों का रिव्यूजन, रिजोल्यूशन पार्ट्स और परिणामी बल, यानी एक बिंदु है, एक बिंदु पर बहुत सारे अगर बल लग रहे हैं तो उसका परिणामी ज्ञात करना है ना, ये एक दो वीडियो लेक्चर में है। मैं जो आपका प्रीलिमिनरी नॉलेज है जिसकी अपने को आगे की यूनिट में जरूरत पड़ेगी वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बल वियोजन, आपने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, बल का वियोजन क्या होता है, कि बल का वियोजन है किसी बल की निर्दिष्ट दिशाओं में, यानी जो डायरेक्शन है बल का डायरेक्शन, उनकी निर्दिष्ट दिशाओं में जो कंपोनेंट है, घटक बल, जो बल के घटक बल ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बलों का वियोजन बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्स। देखिए, ये एक बल है F, एक बल है, इसको OA और OB दिशा में निर्देशित फ्रेम है, तो OA और OB दिशा में इस बल F का घटक P और Q है, यानी F के दो घटक हुए, एक X अक्ष की दिशा में घटक, उसको बल क्या बोलते हैं, P, और एक Y दिशा में घटक या OB दिशा में घटक, वो Q है। ये जो बल F है वो OA के साथ अल्फा कोण बनाता है, और OB OB दिशा में बीटा कोण बनाता है। तो अपन जानते हैं P जो घटक है, P घटक क्या होगा, F, याद करने का तरीका, F sin बीटा अपॉन sin अल्फा प्लस बीटा, और Q घटक होगा, जैसे Q घटक ये है तो F और अल्फा ये है इसका, तो F sin अल्फा अपॉन sin अल्फा प्लस बीटा। इनको आप याद रखना कि जब बल है बल का वियोजन पार्ट ये होता है। अब मान लो ये जो O है OB क्या है, लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तब हम इस बल का क्या बोलते हैं, रिजोल्व पार्ट बोलते हैं। तो जैसे ये बल है वो एक्स दिशा और ये वाई दिशा, इसको एक्स अक्ष बोल ले और इसको वाई एक्स, और एक्स अक्ष और वाई एक्स एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ओ ए और ओ बी इनके बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। मान लेते हैं जो एफ है, ये देखिए एफ यहाँ एक्स अक्ष के साथ अल्फा एंगल बनाता है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो अल्फा एंगल ये हो गया, तो ये जो अपना बीटा है, तो ये अपना बीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। अब हमें P और Q इस केस में निकालना, तो देखो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, P साइन बीटा, तो यहाँ बीटा का मान कितना है, 90 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा ये अपना क्या है, 90 डिग्री है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, और साइन 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। तो जब दो ये वियोजित घटक एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तब P का मान होता है F cos अल्फा। इसी प्रकार अगर Q निकालना है तो Q देखिए F sin अल्फा अपॉन sin अल्फा प्लस बीटा, तो F sin अल्फा अपॉन sin अल्फा प्लस बीटा क्या है, 90 डिग्री, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो Q बराबर क्या हो गया, F sin अल्फा। इस प्रकार हम क्या करते हैं, बलों का वियोजन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिजल्टेंट फोर्स के बारे में समझाऊंगा, यानी एक बिंदु है और एक बिंदु पर बहुत सारे बल लग रहे हैं, तो उन बलों का परिणामी बल कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।